जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस रिवीजन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए और देखिए आज की इस वीडियो का कटअप रखते हैं 50 प्रश्न। और अगर आपके टोटल प्रश्नों में से 50 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो आप सभी इस पूरे प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, आप लोगों को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर लाइव चैट में ए ऑप्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, अनाई मुड़ी। ध्यान रखना है, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। आइए दूसरा प्रश्न है, अस्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून बहना ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, अस्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे विटामिन सी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ध्यान रखना है, विटामिन के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। और इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ध्यान रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएं। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं। तो तीसरे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे 105 दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत के संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुका है और 105वां संशोधन 2021 में हुआ है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो चौथे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे प्रोटीन को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोर्कर। ध्यान रखना है, क्वासियोर्कर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। देखिए, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए डी ई और के, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आम तौर पर उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है यूरेनियम, ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। चलिए, आप सभी छः के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, गुरु शिखर चोटी जो है किस राज्य में स्थित है।
तो छठे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे राजस्थान को दिए हैं। आपका बिल्कुल सही आंसर है, गुरु शिखर चोटी जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सोच समझकर आंसर करना है। ये प्रश्न बिहार मद निषेध सिपाही में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा ये एक अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भले होता है 6 वर्षों का, इसलिए आपसे बोलते हैं प्रश्न को पहले पढ़िए। यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, तो इसका सी नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो आपको आंसर करना था 6 वर्ष, और 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो ही बच्चे किलामू को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? तो हवाई द्वीप में, याद रखना है, ये हवाई द्वीप में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान में है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के तहत आने वाले सत्यमेव जयते शब्द किससे लिए गए हैं? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार मद निषेध सिपाही के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सत्यमेव जयते जो है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। उपनिषद की बात करें तो टोटल उपनिषद 108 है, ध्यान रखना है। वेद कितने हैं? टोटल वेद 4 है। पुराणों की संख्या पूछा जाता है तो 18 पुराण है, ध्यान रखना है सभी पॉइंट को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आपके पास अब समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा नदी ये विवरंश घाटी में बहती है। देखिए, नर्मदा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और सरदार सरोवर बांध, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखना है। गुजरात में कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। भारत का कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? तो देखिए, इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में, जितने भी प्रश्न आज करा रहे हैं सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे।
और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी दिल से ज़रूर लाइक करें। तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, यानी कितने नंबर के ग्रह है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए सूर्य जो है ये क्या है, ये एक गैस का गोला है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है, ध्यान रखना है। सूर्य के बाद आता है कौन सा, तो बुध, याद रखना है, सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है और शुक्र के बाद पृथ्वी है। तो ध्यान रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है ये तीसरा ग्रह है, ध्यान रखना है। और शुक्र की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध की बात करें तो ये सूर्य से सबसे नज़दीक है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आगे देखिए, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत बार बताया है, अगर आपको याद है तो फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत होती है 1582 ईस्वी में, किसने किया था, तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोगों ने, अकबर ने किया था। अकबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है, सिकंदरा में, ध्यान रखना है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। फटाफट से आप सभी 15 के लिए आंसर करेंगे, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है 366, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। और देखिए दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो 16 का आंसर क्या होगा, देखिए आजिमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी नाम जो है पटना से संबंधित है, लेकिन कनिष्कपुर जो है डी ऑप्शन, ये नाम पटना से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। पटना एक पूछा जाता है पाटलिपुत्र, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो उदयन के द्वारा, ध्यान रखना है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में स्थित है, ध्यान रखना है, मुंबई जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, तो याद कर लीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह से संबंधित है, ध्यान रखना है। एक प्रश्न याद आ रहा है, सती प्रथा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सती प्रथा का उन्मूलन पूछा जाता है कब किया गया था, तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसमें सहयोग किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग दिया था, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम क्या है, ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए, कृतज्ञ का विलोम क्या है।
तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था कृतज्ञ का मतलब क्या होता है। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद। यहाँ पे लिख देते हैं, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद, ठीक है। और इसका विलोम होता है क्या, एहसान फरामोश, जिसको बोलते हैं कृतघ्न, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, शांति दूत में कौन सा समास है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, शांति दूत में कौन सा समास है। तो देखिए, सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो ये होता है शांति का दूत, याद रखना है शांति का दूत। अब देखिए बीच में का आ रहा है, यानी कारक का कोई भी अगर चिन्ह आता है समास विग्रह में तो वो होता है तत्पुरुष समास, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और आप लोगों को टारगेट को ध्यान में रखना है, कटअप है 50 प्रश्न। टोटल प्रश्नों में से आपको हर हाल में आज 50 प्रश्नों का सही सही जवाब देना है। 50 प्रश्न आपके सही होते हैं तो ही आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो क्रोध जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं रौद्र, ध्यान रखना है। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है, और देखिए एक होता है हाइग्रोमीटर। दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है जबकि घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि एक भी सेशन आपसे मिस ना हो। तो मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है, बिल्कुल सही जवाब है मेलानिन के कारण, सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। तो देखिए, झूम की खेती जो है ये अक्सर जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसका सही जवाब होगा असम, मणिपुर, नागालैंड, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ। चलिए आंसर कीजिए, नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ। चलिए बाकी ऑप्शन की बात करें, 1920 की बात करें तो ध्यान रखना है 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में और समाप्ति होती है 1922 में। 1922 में आपको याद होगा चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में नमक सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये सी के साथ जाएगा, 1930, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। सोच समझकर आंसर करना है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होगा महाराष्ट्र और गुजरात, तो ऑप्शन में गुजरात मिल रहा है, सही जवाब है बी ऑप्शन गुजरात। और देखिए कपास की बात करें तो कपास की खेती किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, हमने आपको बताया था काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, और इस काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा, ध्यान रखना है काली मिट्टी का अन्य नाम है
रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए 27 के लिए आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में, ध्यान रखना है। और ऑप्शन सी की बात करें O3 तो ये ओजोन का सूत्र है। इस बार जो 16 अक्टूबर को मद्निशा सिपाही का एग्जाम लिया गया था उसमें पूछा गया था कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल, ध्यान रखना है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो इसको भी ध्यान रखें, डॉप्सन से, ध्यान रखना है, डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से 28 के लिए। तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब है धान, ध्यान रखना है, भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की बुआई की जाती है। धान से संबंधित एक प्रश्न याद रखना है, खैरा रोग पूछा जाता है एग्जाम में, खैरा रोग किस फसल से संबंधित बीमारी है? तो धान से। और ये जो बीमारी होती है जिंक की कमी से, किसकी कमी से? जिंक की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो 29 का आंसर बहुत बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है, अहमदाबाद आंदोलन। अब बात करें अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1918 में। सबसे पहले महात्मा गांधी का जो भारत में सत्याग्रह था ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 1918 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, और इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज किस प्रकार का फसल है? चलिए आंसर कीजिए, प्याज किस प्रकार का फसल है? तो बिल्कुल सही जवाब है, नगदी फसल है। प्याज जो है ये नगदी फसल है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 31 का आंसर जो ही बच्चे डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मैकियावेली ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। डेली रात 8 बजे से बिहार मद्निशा सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है, और रात 8:30 बजे से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बादामी के चालुक्य, ध्यान रखना है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, और ये पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था, पुत्र नहीं पौत्र था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी कथन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ये भी सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन जो है, ये कथन सही नहीं है। इन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, आय, उत्पाद और व्यय, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद में? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, राज्यसभा की बात करें तो ये एक अस्थाई सदन है, ये एक अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष, ध्यान रखना है। और राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 80 में, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सलाल जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, चिनाब नदी, ठीक है। सलाल जल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे? फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, गाय की बात करें तो एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? तो अष्टकर्णी। ध्यान रखना है, वैदिक काल में गाय को अष्टकर्णी कहा जाता था। और प्राचीन भारत में जो निस्क है, ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही जवाब होगा, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, सार्क का अस्थाई सचिवालय कहाँ है? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सार्क का अस्थाई सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। तो देखिए, सार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1985 में होती है, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिल्कुल सही जवाब किए आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए, सेशन के लास्ट में आपको ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। देखिए, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? और हाइड्रोजन की बात करें तो भविष्य का ईंधन माना गया है हाइड्रोजन को, ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है
हाइड्रोजन बम। हमारा जो सूर्य है, सन जो है, ये नाभिकीय संलयन पर ही काम करता है। और परमाणु बम की बात करें, परमाणु बम ये किस पर कार्य करता है, तो ये जो है विखंडन पर कार्य करता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन का पूछा जाता है, तो हेनरी कैवेंडिश, ध्यान रखना है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। और पॉजिट्रॉन का खोज पूछे तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं एंडरसन, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। जे.जे. थॉम्सन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉम्सन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, और प्रोटॉन की खोज पूछे तो रदरफोर्ड, ध्यान रखना है, कहीं कहीं ऑप्शन में गोल्डस्टीन भी मिलेगा, तो दोनों को ध्यान रखना है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है, सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। कोयला की बात करें तो सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ध्यान रखना है, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर है रिहंद बांध परियोजना, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, और यहीं पर गन्ना की खेती सर्वाधिक होती है। पूछा जाता है एग्जाम में गन्ना की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। एक पूछा जाता है जूट का, तो जूट जो सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, सभी पॉइंट को ध्यान रखें, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, चलिए 46 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस प्रकार का कर है, तो ध्यान दीजिए ये अप्रत्यक्ष कर है। GST जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे GST भारत में कब लागू हुआ था। और देखिए, GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस। आपको कमेंट करके बताना है भारत में कब लागू हुआ था, तो सही जवाब है निगम कर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो सही आंसर है धूल कण, ध्यान रखना है। और वायुमंडल की बात करें, पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन गैस लगभग 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, चलिए 48 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकिरण के द्वारा। और सूर्य की प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है 8 मिनट 20 सेकंड, ध्यान रखना है, लगभग है 8 मिनट। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणों की खोज किया था विक्टर हेस ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है,
इसको ध्यान रखें, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो लाइव चैट में जो ही बच्चे गामा किरण को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकुरल के द्वारा। ध्यान रखना है, हेनरी बेकुरल के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, और बिहार पुलिस के एग्जाम में यह प्रश्न काफ़ी बार आया है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आप लोग आंसर कीजिए, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए में है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। शुंग वंश के पहले कौन था? मौर्य वंश, ध्यान रखना है। आपको याद होगा मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, देवभूति, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद कर लीजिए, यह है विशाखापत्तनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कांडला कहाँ है? गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, ध्यान रखना है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, ऐसे तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की जाती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तंत्रिका तंत्र, ये जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही जवाब है फ्रक्टोज, शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर बीमारी होती है, ध्यान रखना है, क्वासियोर्कर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, और सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें,
भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है कर्नाटक। ध्यान रखना है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो देखिए, व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कौन है? पाणिनि है। पतंजलि की बात करें तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, गौतम है। तो दोस्तों, आज के इस संडे रिवीजन क्लास में हम लोगों ने 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, और जितने भी प्रश्न आज के सेशन में कराए गए सभी प्रश्न ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में हो चुका है। तो अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके सेशन को शेयर करना ना भूलें।